उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा देने आए एक छात्र को उस समय वापस होना पड़ा जब केंद्र व्यवस्थापक ने छात्र को यह कहकर लौटा दिया कि उसकी अटेंडेंस शीट विद्यालय में नहीं आई, जबकि छात्र के प्रवेश पत्र पर इसी विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। मामला शाहजहांपुर के खिरनी बाग चौराहे पर स्थित सुदामा प्रसाद इंटर कॉलेज का है, जहाँ आले नबी खान नाम का छात्र अपना प्रवेश पत्र लेकर इस स्कूल में TET परीक्षा देने गया। जैसे ही छात्र स्कूल के गेट पर पहुंचा तो उसे रोक लिया गया। उससे कहा गया कि आपका सेंटर यहाँ नहीं है, जबकि उसके प्रवेश पत्र के मुताबिक परीक्षा केंद्र यही विद्यालय था। छात्र ने जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत की, परंतु वहां से भी छात्र को मायूस होकर लौटना पड़ा। जब इस बात की भनक मीडिया को लगी तो उन्होंने भी आला अधिकारियों से मामले में बात करना चाहा, परंतु आला अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गलती किसकी है। क्यों छूटा है, क्या वजह रही? सर मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैंने UPTET में फॉर्म डाला है और यहाँ पे हमारा सेंटर आया हुआ है सुदामा प्रसाद बाल विद्या मंदिर, जिसमें हमें प्रवेश नहीं मिला। पेपर चल रहा है सर, और इसमें ये बता दिया कि आपका एडमिट कार्ड पे नंबर लास्ट डिजिट में 271 है, जबकि यहाँ पे हमारे सेंटर पे 270 तक ही एंट्री है बच्चों की। तो आप पेपर, इसलिए सर हम यहाँ पे जब से वेट कर रहे हैं और मुझे प्रवेश नहीं दिया जा रहा। कहाँ से आए हैं? सर मैं यहाँ पड़ोस में ही ब्लॉक सिंधौली चांदा से आया हूँ, ग्राम चांदा। अगर आपकी आज परीक्षा छूट गई तो कैसे आपकी अटेंड होगी? जी सर, परीक्षा छूट गई कैसे अटेंड होगी? सर कैसे अटेंड हो, प्रॉब्लम में है सर, अब कैसे हो पाएगी परीक्षा हमारी? तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सर हम चाहते हैं कि हमारी हमारी बात को सुना जाए, आगे बढ़ाया जाए सर इसे। जी मैडम, जिस तरीके से बच्चे का पेपर छूटा है, क्या वजह रही उसकी? हमारे सेंटर पर जितने भी अलॉटेड हैं, जितने की अटेंडेंस शीट है, उन सबकी परीक्षा हुई है। अब इस बच्चे की अटेंडेंस शीट हमारे सेंटर पर नहीं है और इस संबंध में DI सर को भी पता है, उनको भी इस स्थिति से अवगत करा दिया गया और बात भी हुई सामने जी। लेकिन अगर अभी इसका पेपर छूट गया, इससे कैसे इसका समाधान होगा? क्यों, इससे ऑनलाइन किया ना इसने तो? हम इस संबंध में तो नहीं कह सकते, हमारा तो सेंटर सिर्फ केंद्र बनाया गया है परीक्षा दिलाने के लिए, परीक्षा दिलाने के लिए हम यहाँ पर है। तो जितने भी कैंडिडेट अलॉटेड होंगे, जितनी अटेंडेंस शीट आएगी, हम सबकी परीक्षा कराएंगे। तो आखिर इसका अटेंडेंस शीट जब नहीं है तो बच्चे की अटेंडेंस जाएगी। तो आगे फॉल्ट कहाँ से हुआ, ये जानकारी कैसे होगी? ये भाई ये तो हम नहीं बता सकते ना, ये तो जहाँ से भी अलॉटेड होते हैं वही बताया जा सकता है। ये तो DI सर भी नहीं बता पाए, वो भी नहीं बता सकते, वो भी ऊपर बात करेंगे तभी बता पाएंगे। एडमिट कार्ड में आपके स्कूल का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, स्कूल का नाम है, पर अटेंडेंस शीट जब तक नहीं होगी तब तक कैसे होगा ये बताइए आप। अटेंडेंस शीट तो होनी चाहिए ना। और ये बात हमारे यहाँ मीटिंग में भी बोली गई थी, जब विकास भवन में मीटिंग हुई थी तभी बोला गया था, तो उन्होंने कहा था आपके यहाँ जितने भी अटेंडेंस शीट आए उनको परीक्षा दिलाइए। जो आपका सुनना क्या है? डॉक्टर राकेश।